अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश के मैं नोट्स भी ग्रुप में आप लोगों के साथ जिस तरह शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं उसके जस्ट की पॉइंट्स में मैं आपको वन पेपर पे प्रोनाउन और उसके टाइप्स को कंप्लीट पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेजर भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा माइनर भी नहीं, इसलिए जो है वो आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है। साइंस और जनरल कैटेगरी वाले दोनों इसको लाजमी देखें। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं प्रोनाउन, कि भाई व्हाट इज़ प्रोनाउन। हम सिंपल ये देखते हैं कि प्रोनाउन का काम क्या है, तो प्रोनाउन का काम है रिप्लेसमेंट। किसकी रिप्लेसमेंट करता है? नाउन की, क्योंकि प्रो नाउन है, नाउन का प्रो वर्जन है, तो इसलिए हम जो बात करते हैं। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं प्रोनाउन की, एग्जांपल जिस तरह बचपन में स्कूल्स में पढ़ाई जाती थी ही शी इट आई दे यू, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो कि आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। देखें, जब भी हम बात करते हैं पर्सनल की, तो पर्सनल का ताल्लुक किससे आता है? हम बात करते हैं स्पेसिफिक, अगर हम बात करें किसी भी पर्सन की या थिंग की, तो ये आता है पर्सनल के अंदर। पर्सनल के दो केसेस होते हैं, यह हमेशा याद रखना है। एक होता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। देखें सिंपली आपको नॉमिनेटिव बताऊं तो नॉमिनेटिव क्या है, जो कि एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, और ऑब्जेक्टिव जो है एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे होते हैं। बिल्कुल सिंपल से हैं इनके एग्जाम्पल वर्ड, अभी मैंने चार्ट बनाया हुआ इसके अंदर आपको लिख के दूंगा। अब आप पहले समझ लें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम बात क्या करें, अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं कि ये वो वर्ड्स होते हैं, हम इनको शो दैट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो कि रिसीव करते हैं एक्शन वर्ब का, मतलब हम इसको अगर मैं आपको लिख के दूं कि ये जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर जो सब्जेक्ट है जुमले के अंदर, उसका काम क्या कर रहा होता है, वो रिसीव कर रहा होता है एक्शन ऑफ द वर्ब। वो कैसे, अब इसके अंदर ये आपको क्लियर होती जाएगी। पोजेसिव की बात करूं तो पोजेसिव के अंदर उर्दू में हम लिखते हैं मलकियत, और इंग्लिश में हम उसको कहते हैं ऑनरशिप। जब भी हम अपनी जो है वो मतलब मलकियत की बात करेंगे कि ये चीज हमारी है या इसका ताल्लुक हमारे से है, तो फिर हम बात करते हैं उसको, हम कहते हैं पोजेसिव। अच्छा, पोजेसिव के अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना कि पोजेसिव नाउन भी है, पोजेसिव प्रोनाउन भी है, वर्ब भी और एडजेक्टिव भी, हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स और हर किसी का अपना अपना इस्तेमाल है। अब अगर मैं इनकी आपको बात करूं या कह लें कि मैं एग्जांपल वर्ड्स अगर दूं, तो देखिए पर्सनल के अंदर मैंने जिस तरह ये दो केस बताए, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव। तो नॉमिनेटिव के अंदर अगर मैं यूज करता हूँ आई, मतलब एज अ सब्जेक्ट में अगर मैं आई यूज कर रहा हूँ, तो उसी को पर्सनल में मैं क्या यूज करूंगा, ऑब्जेक्टिव केस में मी। और अगर बात करें पोजेसिव की, तो पोजेसिव मैंने कहा मलकियत, तो मी की जगह फिर क्या इस्तेमाल हो जाएगा, माइन। और रिफ्लेक्सिव में बात करें तो माई सेल्फ, क्योंकि एक्शन की बात हो रही है, तो देखें ये वो वर्ड हैं जो कि इस्तेमाल होंगे। अच्छा, एक और अगर एग्जांपल मैं लिख के दूं, मिसाल दे रहा हूँ, हम लिख रहे हैं ही, अगर ऑब्जेक्टिव में बात करें वो हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, पोजेसिव के अंदर वो हिज में कन्वर्ट हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव के अंदर वो हिम सेल्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज याद रखें, ये जो माई सेल्फ योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव है, ये जो हमेशा इस्तेमाल होगा एज अ ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा, मतलब एज अ ऑब्जेक्ट, और ये भी पॉजेसिव के अंदर भी एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। क्योंकि अभी आप अगला पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर ये और वो एक ही जैसे लग रहे हैं, इसलिए हमें क्लियर नहीं हो रहा। अब आते हैं इंटेंसिव। अच्छा, इंटेंसिव का काम होता है इंफोसाइज करना, इंफोसाइज कहते हैं जोर डालने को, किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। इट मीन अभी ये जो केस होगा इसके अंदर भी जो है वो यूज हो रहे होते हैं एज अ सब्जेक्ट। अब वो कैसे, मिसाल दे रहा हूं, मैं इसकी एक एग्जांपल अगर देता हूं कि यू योर सेल्फ मस्ट गो, तो मैंने यहां पर बात की कि आप खुद ही जाओगे, ठीक है। आगे पूरा जुमला मैं नहीं लिख रहा, जगह जो है वो मैंने शॉर्ट सी इधर बनाई हुई है ताकि आपको इसका क्लियर हो जाए। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव की, तो ये क्या करते हैं, पहली चीज इनका काम होता है आइडेंटिफाई करना नाउन को, और आंसर देना क्वेश्चन का, आंसर देना किसका, जो क्वेश्चंस पूछे जाएं। मिसाल देना, इसके एग्जांपल वर्ड्स अगर हम बात करें तो मैं कहता हूं दीज आर द बुक्स दैट जॉन वाज टॉकिंग अबाउट। डेमोन्स्ट्रेटिव में ये कह लेंगे बात सामने होगी, मैं कहता हूँ ये जिस तरह पेन रख दिया, मैंने कहा दीज आर द पेन्स दैट जॉन वाज टॉकिंग अबाउट, तो दीज दोज इस तरह के वर्ड्स इसके अंदर इस्तेमाल होंगे। अच्छा, रिलेटिव की बात करें तो रिलेटिव का जो है वो कनेक्शन, वो कनेक्ट करता है किसको, कनेक्ट करता है क्लैरिफाइंग को, किस चीज की क्लैरिफिकेशन को कनेक्ट कर रहा होता है, जो कि इंफॉर्मेशन हम ले रहे होते हैं टू नाउन, या फिर टू नाउन और अदर प्रोनाउन, इनकी क्लैरिफिकेशन के साथ इसका ताल्लुक है। इसके जो है वो वर्ड फॉर एग्जाम्पल हु दैट
विच, ये सारे इनके जो हैं, और ये एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होंगे। तो ये वन वर्ड पे आपको जो मैंने बड़े शॉर्ट टाइम में प्रोनाउन समझा दिया, आई होप सो आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। अगर मजीद फिर भी कोई क्वेश्चन हो प्रोनाउन से रिलेटेड तो आप स्टूडेंट्स क्लास में पूछा करें। अल्लाह हाफिज़।